उसके बारे में थोड़ा ब्रीफ कीजिए। थैंक यू सो मच पहले तो आपकी विशेष के लिए, आप सब आए बहुत अच्छा लगा, और बस उत्साह की बात अगर करोगे तो उत्साह बहुत है अभी, तो बस जर्नी है, स्टार्टिंग है जिंदगी की, बहुत आगे बहुत लंबी रेस है और लंबी रेस के घोड़े हैं, भगवान ने चाहा तो बहुत लंबा दौड़ेंगे, और बस यही कहना चाहूँगा कि आज जो कुछ भी हो अपने माँ बाप के आशीर्वाद की वजह से, अपने भगवान के आशीर्वाद की वजह से, और अच्छे लोगों के साथ की वजह से, अच्छी टीम की वजह से, ये मेरे साथ कल्पेश जी है, हमारी एक मूवी भी आ रही है एक चंडी चार्या, उसके राइटर हैं कल्पेश जी, बाकी कुछ आप देखिए। क्योंकि भाई ने जब ये नरेशन दिया था अपनी स्टोरी का, तभी हमने तय किया था कि इसके ऊपर एक बहुत ही बढ़िया स्क्रिप्ट बनाएंगे, और विकी भाई का कहना था कि आज का, आज की हर फिल्म का जो फाउंडेशन होता है वो होता है एक अच्छी स्क्रिप्ट, तो उसके ऊपर हमने एक साल मेहनत की है पूरी, और उस कंटेंट को एक अच्छा अंजाम मिला है ये हमने सोचा और आगे काम किया है, और हर एक कैरेक्टर को जो स्क्रीन प्ले और डायलॉग्स के ऊपर जो काम किया है, तो हर एक कैरेक्टर निखर के आया है, उसको मौका मिला है ये ध्यान रखा है। विकी सर, आपकी जर्नी का जानना चाहूँगा कि क्या कहाँ शुरुआत की, इंस्पिरेशन कहाँ से मिला कि आप इस फील्ड में आए, और क्या चैलेंजेस थे जो आप फेस किए शुरुआत के दौरान? सर ये होता गया मुझे नहीं पता, मेरा स्टार्टिंग से ये रहा है कि गो विद द फ्लो, पानी की धार के साथ बहते रहो। तो आया था जब मुंबई तो एज एन एक्टर ही आया था काम करने, बट मालूम नहीं था कि जर्नी यहाँ तक आएगी, सोचा भी नहीं था। बहुत से लोग मुंबई आते हैं और दो चार महीने में चले जाते हैं, तो मैं सबसे पहले तो टचवुड खुद को बहुत लकी समझता हूँ कि भगवान के आशीर्वाद से आज मैं यहाँ तक हूँ, और मैं यहाँ आकर रुकने वाला नहीं हूँ, और संतुष्ट हूँ भी और नहीं भी, संतुष्ट हूँ, भगवान को थैंक यू बोलता हूँ हर चीज़ के लिए कि थैंक यू गॉड, थैंक यू भोलेनाथ, आप मुझे यहाँ तक लेके आए, और संतुष्ट इसलिए नहीं हूँ कि बहुत आगे जाना है, अभी ये सिर्फ स्टार्टिंग है। अगर मैं अभी से खुश हो जाऊँगा कि मैंने कोई अचीवमेंट कर ली तो मैं आगे नहीं बढ़ पाऊँगा, मुझे हर दिन उतनी मेहनत से, उतने पागलपन से और उतनी ही जोश के साथ काम करना है। और कास्टिंग में आने का मेरा रीज़न यही था कि जब मैं एज एन एक्टर जब आया था तो मैंने देखा था यार यहाँ पर कोई सिस्टम नहीं है, यहाँ बड़े सेटिंगों से काम चलते हैं, तो जो चीज़ मैंने झेली थी अपने टाइम पे, तो मुझे ये लगता था कि यार आर्टिस्ट के साथ ये नहीं होना चाहिए, अगर आप ऑडिशन देने जा रहे हो तो वाई नॉट फिट यार, हर बंदा फिट होता है, आज यूज नहीं होगा कल यूज होगा, एटलीस्ट ऑडिशन तो लो उसका। तो वो चीज़ को सोचकर मैंने अपने आप को चेंज किया, और मैं कास्टिंग में, और मैं कास्टिंग में बहुत खुश हूँ, मुझे अच्छा लगता है कि हाँ यार चल भगवान ने किसी काबिल तो बनाया है। तो हाँ जी, ये कि मैं पूछना चाहूँगा आपको, हाल ही में जैसे आपने म्यूजिक कैंपेन के इतना बवाल लेकर, क्या कहना चाहेंगे वो कितना हार्म किया है इस बिजनेस को, क्योंकि एक नेगेटिव इमेज क्रिएट हो गई है कास्टिंग को लेकर, और हमेशा से ये बात नजर आती है कि फीमेल को ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया जाता है फाइनेंशियली या फिजिकली, तो ये कितना सच है, क्योंकि मेल्स भी काफ़ी बड़ा हिस्सा है इस इंडस्ट्री का, तो उस बारे में कुछ आपको बताइए। सर देखिए, मुझे दुनिया का नहीं पता, दुनिया में हर तरीके के लोग होते हैं, लोग कहते हैं कि 90% दुनिया ख़राब है, ये है और होगा, मैं सर ये जानता हूँ कि दुनिया अच्छी है, 10% खराब है, लेकिन वो 10% को ना लोग इतना बढ़ा देते हैं, माउथ पब्लिसिटी इतनी दे देते हैं बेकार चीज़ को, कि वो लगता है कि सब एक जैसे हैं, बट ऐसा नहीं होता सर। अगर सब खराब होते तो शायद आप अभी मुझे चक्कू मार के देख रहे होते मेरी जेब में क्या पड़ा है, या मैं आपको मार के छीन रहा होता, राइट? तो 90% अच्छे लोग हैं, 10% ही बुरे होते हैं। और मीटू के लिए मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा भाई कि मुझे नहीं पता है मीटू क्या होता है, क्योंकि मेरे यहाँ पे हर लड़की आने वाली मेरी सिस्टर की तरह है, और मेरे पूरे स्टाफ के अंदर कोई ऐसा नहीं है जो लड़कियों के साथ बदसलूकी करे या बदतमीजी करे। और दूसरी चीज़ ये है कि मेरे यहाँ लड़के हों चाहे लड़कियाँ, दोनों सेफ है भाई। आजकल इंडस्ट्री में लड़के भी सेफ नहीं रहते वैसे, तो बस इतना ही कहना चाहूँगा, और बस सबकी ब्लेसिंग चाहिए, भगवान का आशीर्वाद चाहिए, और आगे बढ़ते रहेंगे, काम करेंगे, और मेहनत से काम मिलता है। अगर कुछ लोग बोलते हैं कि इंडस्ट्री गलत है या कास्टिंग में या कहीं पर ऐसा होता है वैसा होता है, मेरा ये कहना है कि आप ना बोलो ना यार, आपके अंदर दम है, आप अच्छा काम करो, अगर आप अच्छा एक्ट करोगे तो क्यों नहीं आपको काम मिलेगा, कभी भी ये कॉम्प्रो से या फिर दूसरी चीज़ों से काम नहीं मिलेगा। एक प्रोड्यूसर अगर 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ लगाता है तो वो क्या कॉम्प्रो करने के चक्कर में किसी भी लड़की को या किसी भी लड़के को स्टार थोड़ी बना देगा, उसमें दम होगा, वो उसे कमा के दे सकता होगा तो काम मिलेगा। और ये भी जानना चाहूँगा सर, अभी काफ़ी सारे लोग आपको मुबारकबाद दी आपके से, तो ऐसा कोई प्रोजेक्ट बताइए जिसमें आपने काम मिलाया हो, और यू नो एक बिजी फीलिंग आती है कि आपने उसको काम मिलाया और उसको एक सक्सेस मिला उस चीज़ के लिए। सर मैं कभी भी ये चीज़ नहीं बोलूँगा, काम दिलाने वाला भगवान है, और कभी भी मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं अपने मुँह से बोलूँ,
जो हो चुका है पहली चीज तो मैं उसको पास समझता हूँ, जो दिला दिया कहते हैं नेकी कर और दरिया में डाल, तो वो डाल दिया। अभी आगे के बारे में सोचना है, आगे के बारे में बात करेंगे हम लोग। अभी तीन चार वेब सीरीज है, वॉचो की 151 सीरीज हमारे पास है वेब सीरीज, इसके अलावा श्रीमद भागवत हमारे पास है, सावधान इंडिया हमारे पास है, तो काफ़ी सारे सीरीज हैं जो हम कर रहे हैं। ठीक है, कई मेरे पास डायरेक्ट है, कई की मैं कोऑर्डिनेशन करता हूँ, बट कुल मिला करके कास्टिंग के अंदर भगवान की जैसे पूरा होल्ड है अभी। और लास्ट ये चाहूँ कि इनोवेशन भी जरूरी है, जैसे कि मान लीजिए बहुत सारे लोग होते हैं जो स्ट्रीम में आना चाहते हैं छोटे छोटे गाँव से जी, ऐसे तो कितना जरूरी है कि एक अलग तरीके से कास्टिंग जो अप्रोच होता है कास्टिंग करने का वो चेंज होना चाहिए। सर बस मैं इतना बोलना चाहूँगा कि आज की डेट में कुछ मुश्किल नहीं रह गया है, आज की डेट में इंटरनेट है, इतना अच्छा माध्यम है कि आप लोग घर से भी बैठे ऑडिशंस भेज सकते हो, व्हाट्सएप पे भेज सकते हो, प्रोडक्शन हाउस की डायरेक्ट, अगर आप कास्टिंग वाले के थ्रू नहीं करना भी चाहते तो प्रोडक्शन हाउस की डायरेक्ट आपके पास मेल आईडीज होती हैं, आप मेल कर सकते हो, तो अगर आपके अंदर टैलेंट है आपको काम मिलेगा, और नहीं है तो जितना मर्जी कुछ भी कर लो नहीं मिलेगा। विक्की ही इज़ माई ब्रदर, और वेन आई केम इनिशियली इन बॉम्बे थ्रू सनी आई मेट हिम, सो ऑफकोर्स मैं जब बातें सुन भी रही थी तब भी मैंने एक जो विक्की भाई के लिए सबसे अच्छी चीज़ मुझे लगती है कि ही इज़ अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन, काम के अलावा कभी इधर उधर की बातें होती ही नहीं, हम ना कभी गॉसिप करते हैं ना कुछ और करते हैं, एंड बीइंग एन एक्टर और भाई भी है तो मैं बहुत खुश हूँ कि फाइनली हमारा अपना प्रोडक्शन हाउस है, हमारा इतना प्यारा ऑफिस हो चुका है, सो आई रियली कंग्रेचुलेट हिम फॉर दिस एंड आई एम सुपर एक्साइटेड, इट्स लाइक अ फैमिली टू मी, तो मेरा ऑफिस भी है, आई एम सो हैप्पी फॉर दिस। तो एज अ पर्सन एज अ प्रोफेशनल क्या डिफरेंस है, मतलब काफी लोगों से मिलते हैं इंडस्ट्री में जो कास्टिंग करते हैं, तो क्या व्हाट इज द डिफरेंस यू फाइंड इन बिटवीन? डिफरेंस नंबर 1, ही वाज द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने आगे से मुझे बहन बोला, और सिर्फ बोला नहीं ये मानते भी हैं, वी हैव फ्यू मोर एक्टर फ्रेंड्स और उन सबका भी सेम ओपिनियन है विक्की भाई के लिए कि इज अ वेरी नाइस पर्सन, चाहे लड़का हो या लड़की हो, एक्चुअली ये प्रटेंड करने की चीज़ नहीं है कि आपको भाई बोलना पड़ेगा या बहन बोलना पड़ेगा, अच्छा मानने की बात है, तो ही इज दैट काइंड ऑफ पर्सन, इनका जब भी कॉल आएगा वो काम से रिलेटेड आएगा, उसके बाद पे चेक के टाइम पे ही कॉल आएगा, अदरवाइज कभी कोई कॉल नहीं आता, दैट्स बैड भाई, मेरा बेसिकली दिल्ली से मॉडलिंग बैकग्राउंड था, जब मैं बॉम्बे आई फॉर्चुनेटली मुझे एक आधा एपिसोडिक शोज मिलते गए, अभी मेरा जो ऑनगोइंग शो है वो है परफेक्ट पति, जिसमें उर्वशी का कैरेक्टर कर रही हूँ विच इज़ अ नेगेटिव लीड, एंड इसके अलावा आई एम शूटिंग 2 मूवीज ऑल्सो, और विक्की भाई के साथ मैंने 2-3 अच्छे प्रोजेक्ट्स किए हैं और फर्दर भी हम बहुत अच्छा काम करने वाले हैं। बिल्कुल डेफिनेटली बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है यार विक्की भाई का नया ऑफिस, मेरा भाई तरक्की करते जा रहा है, प्रोडक्शन से फिल्म प्रोडक्शन एजेंसी से उसके बाद नया ऑफिस, ऑब्वियसली यार भाई तरक्की कर रहा, फीलिंग अच्छी फीलिंग, ऑब्वियसली नो डाउट इंस्पायरिंग है यार कहीं ना कहीं, इतने सालों में हर बार मैं फोन पर यही बोलता हूँ कि यार विक्की भाई हर बार कुछ नया बोलते हो, कुछ नया बताते हो, तो ऑब्वियसली यार। तो ऐसी क्या बात है प्रोफेशनल तौर पर भी या पर्सनल तौर पर जो आपको बहुत इंस्पायर करती है? उनके नेचर, नेचर ही इज सो फ्रेंडली यार, ही इज सो फ्रेंडली, ही इज ऑलवेज देयर फॉर एवरीवन, और हाँ भाई यार और क्या बोलूं, यही है और अच्छा यार बहुत खुश हूँ इसके लिए बस, हाँ भाई के लिए। मैं मेरा नाम है हिमांशु अरोरा, मैं एक्टर हूँ, मैंने सीरियल्स किए हैं 2.5 किलो प्रेम, स्टार प्लस पे तमन्ना, स्टार प्लस पे कुछ वेब सीरीज की हैं, सोनी पे इतना करो ना मुझे प्यार ऐड्स किए हैं, थोड़े बहुत गूगल को लोग ऐड किया अभी रिसेंटली, वेब सीरीज की है एक रिसेंटली विक्की भाई के थ्रू ही किया, चल रहा है धीरे धीरे, सो थैंक्स फॉर दैट। हार्डली कांग्रेचुलेशंस बोलना चाहूंगी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत प्राउड फील हो रहा है कि विक्की जी उन्होंने इतना ये ऑफिस ओपन किया, आई होप ये बहुत एक्टर्स के लिए बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है, मैं इनके थ्रू काफी एपिसोडिक्स किए हैं, ये बहुत जेंटल है और बहुत हम्बल है, जैसे बहुत सारे कास्टिंग वाले होते हैं तो वो सिर्फ कास्ट करके उनका काम खत्म कर देते हैं, उनके आगे पेमेंट का क्या इशू है क्या, वो इतना ध्यान नहीं रखते कि सेट पे आपको कैसे ट्रीटमेंट हो रहा है, बट ये शूट खत्म होने के बाद आपको कॉल भी करते कि कैसा रहा आपका शूट, लोगों ने आपसे अच्छे से बिहेव किया नहीं किया, वो सब छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते, तो बहुत अच्छा लगता है इनके साथ काम करके। विक्की
विकी सर आप क्या कहना चाहेंगे, इतने सारे लोग आपकी तारीफ कर रहे हैं आपकी इमेज के बारे में, प्रोफेशनलिज्म के बारे में, कितनी खुशी मिल रही है? सर मैं तो बस इस चीज़ पे बिलीव करता हूँ कि अच्छा करोगे तो लोग अच्छा बोलेंगे फेस पे भी और पीछे भी, और बुरा करोगे तो मरने के बाद भी बोलते हैं अच्छा हूँ मर गया। तो भगवान जैसे आपने मुझे बनाया, थैंक गॉड, हमेशा जैसे मेरी आदत है मैं भगवान का शुक्रिया करना कभी नहीं भूलता, तो उन्होंने मुझे जैसे बनाया वैसे ही बनाए रखे, हमेशा डाउन टू अर्थ रखे, कभी घमंड ना आने दे, और बस इसी तरह लोगों को काम करना है, मिलजुल के हम सब काम करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो जो प्रोजेक्ट मिला विकी सर ने, जो मतलब ऑफर लेटर मिला, बताइए कौन सा प्रोजेक्ट था और कितना ज्यादा स्पेशल था आपके लिए? मैंने इनके थ्रू दो एपिसोड्स किए थे जो कि थे सावधानी के, मैंने जो एपिसोड किया था और उसमें मैंने एपिसोड का लीड किया था, तो ऑब्वियसली वो प्राइम चैनल है स्टार भारत के लिए, तो ऑब्वियसली बहुत सारी रिकमेंडेशन मिलती है। और वो एपिसोडिक्स करते करते अभी मैं एक नए चैनल का शो कर रही हूँ, मूवू टीवी, जो चैनल लॉन्च हुआ है। मूवू टीवी नया चैनल है और उस पर दामिनी अभी लीड कर रही है, वो मेरे थ्रू नहीं मिला, बट कॉन्ग्रेचुलेशंस दामिनी। उस शो के बारे में बताओ। हाँ, वो शो का नाम है अजब सास की गजब बहू, और मेरी शो की स्टोरी ऐसे है कि मैं गुजराती फैमिली से हूँ, हमारी स्टोरी में तीन फैमिली है, एक मराठी पंजाबी उनकी सास बहू और एक गुजराती फैमिली, तो और एक है मराठी और यूपी, तो मैं जो बेसिकली गुजराती फैमिली से हूँ, मेरी सास है नेशनल और मैं हूँ इंटरनेशनल, मतलब मैं उसमें लंदन हिटन दिखाई गई हूँ, और उसमें मेरा लुक बॉयकट हेयर है, एकदम शॉर्ट हेयर होते ना बॉयकट टाइप वैसा हेयर है। तो जब ये नेशनल और इंटरनेशनल मिलते हैं, जब ये देसी विदेशी मिलते हैं, तो उसमें हर बात पे झगड़ा होता है, तू तू मैं होते, बट जो मेरी सास है ना वो नेगेटिव नहीं होता, मैं नेगेटिव हूँ, बहुत क्यूट और बहुत स्वीट कॉमेडी दिखाया गया है शो में, और इसके बीच में हर बार हमारा जो मेरा पति और जो ससुर है वो हमेशा फर्स्ट आते हैं, तो बस ये स्टोरी है, क्योंकि नॉर्मली सास बहू का जो शो होता है वो रोने धोने वाला या झगड़े टाइप होता है, बट हमारा शो पहला ऐसा शो आया कि सास बहू का जो पूरा कॉमेडी और सास बहू के ऊपर। और कहना चाहेंगे मतलब कास्टिंग के बारे में, तो कहना चाहेंगे कि काफ़ी जो है मतलब प्रोफेशनलिज्म भी कहा जाता है, तो क्या मानते हैं आप विकी सर के जो आपको काम मिला है, तो आप क्या सोचते हैं कि कितना ज़्यादा सुधार होना चाहिए इस इंडस्ट्री में, कास्टिंग इंडस्ट्री में? नहीं अभी तो आई गेस पहले जैसे कास्टिंग होती थी और अभी होती, तो आई गेस जैसे दिन ब दिन डेज आगे बढ़ रहे हैं, वैसे बहुत सारी चीज़ें तो अपने आप मतलब इंडस्ट्री में अच्छी होती जा रही है, तो पहले से लोग बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल हो गए हैं, मतलब आजकल डिजिटल का ज़माना है हर चीज़ें, तो छोटी मोटी चीज़ को लेके तो हमें भी एक्टर्स को भी ध्यान रखना चाहिए, तो मैं ये कहना चाहूँगी। हाय, मेरा नाम एक्टर मोहन देव है, और मीन्स लाइक मैंने मेरे लाइफ का जो पहला करियर जो मैंने स्टार्ट किया है वो विकी चोपड़ा लाइक ड्रीम कैचर्स के थ्रू ही किया है, और लाइक मैंने सेट पे उस वक्त लेकर मैंने बहुत कुछ सीखा, एंड देन इन्होंने काफ़ी ख्याल रखा मेरा, शूट पे पहुंच गए, देन शूट खत्म होने के बाद भी मुझे कॉल किया कि मोहन भाई कैसा शूट रहा है एंड ऑल, एंड हालांकि जब मैंने मेरे स्टार्टिंग के स्ट्रगलिंग डेज थे तो इन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया कि मोहन भाई लाइक अभी तुमको मतलब हमारे यहाँ आना है हमारे एजेंसी में और अपने नए नए तरीके के आप मतलब ऑडिशन स्क्रिप्ट बनाओ जो आपको बहुत हेल्प करेगा, और हालांकि मुझे काफ़ी हेल्प किया है। देन उसके बाद में मीन्स लाइक मैंने एक दीवाने अनजाने शो में उसमें कैरेक्टर रोल किया था, देन कुछ यूट्यूब के लिए किया है, तो लाइक मैं बहुत अच्छा हूँ। जब हम फर्स्ट टाइम मिले थे आज से एक डेढ़ साल पहले, तो मैंने विकी भाई को एक बात कही थी कि विकी भाई देख लेना एक टाइम आएगा कि मीन्स लाइक आपका नाम एक बड़े कास्टिंग वालों के उसमें आएगा, तो फिलहाल बोल सकते हैं कि अभी तो पार्टी शुरू हुई है, देखो आगे आगे होता क्या करके। थैंक यू सो मच भाई, बस आप सबका प्यार और ब्लेसिंग्स ही है जो हम आगे बढ़ रहे हैं, और बिल्कुल साथ में आगे बढ़ेंगे और साथ में काम करेंगे। थैंक यू सो मच। हाय, मेरा नाम अमित देखवानी है, और विकी जी को मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ और बहुत ही मेहनती और हार्ड वर्किंग पर्सन है, और मैं इनको कॉन्ग्रेचुलेशन करना चाहूँगा, बिकॉज ये जब भी मैं इनसे मिलता हूँ मुझे ना एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, हर वक्त ना कुछ नई बातें करते हैं और नई चीज़ों के लिए मुझे मोटिवेट करते रहते हैं कि अभी ये करने वाले हैं, अभी वो करने वाले, तो अभी मैं आई एम रियली हैप्पी डैट इन्होंने एक छोटे ऑफिस से लेके इस बड़े ऑफिस में आप नया एंट्री किया है, तो मैं उसके लिए आपको कांग्रेचुलेशन सो मच। थैंक यू सो मच भाई। तो कहना चाहेंगे कि आप इस बिजनेस में तो कितना ज़्यादा आप डिफरेंट पाते हैं क्योंकि सर को और लोगों के मुकाबले जो बिजनेस में, और बिजनेस में बिकॉज जैसे कि ये कास्टिंग में है, और कास्टिंग में तो बात करने का तरीका बहुत ही पोलाइट है, बाकी आप जैसे कि हम कास्टिंग डायरेक्टर से मिलते हैं तो उनका एक डिफरेंट नेचर्स रहता है, बात करने का तरीका रहता है, बट मैंने जब भी इनसे मिला है मुझे एज एन भाई का ट्रीटमेंट ही मिला है, और भाई की तरह ही हमने एक दूसरे से बात की, काम अपनी जगह पर चलता रहता है, रिलेशन अपनी जगह पर चलता रहता है। तो प्रोफेशनल जो ऑपरेशन आपको मिला है, हाँ जी डेफिनेटली मिला है। हाँ जी, मैं बताना चाहूँगा अभी अमित भाई जो है हमारी आने वाली एक मूवी है एक चड्डी चाड़िया,
उसमें इनका एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कैरेक्टर रहेगा जो कि कल्पेश जी ने लिखी है, और बाकी चीज़ें हम अभी उसके बारे में रिवील नहीं कर सकते, बस जैसे जैसे चीज़ें आगे होंगी और बढ़ेंगी तो मीडिया तो सबसे पहले, मीडिया तो आजकल सबसे पहले निकाल लेती है, तो सब चीज़ें हम बताते रहेंगे और बाकी अमित भाई खुद बताएंगे। मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ इन चीज़ों के बारे में, बिकॉज हाँ ये प्रोजेक्ट है, टाइम लगता है बट वर्क इज गोइंग ऑन, तो मैं भी उस चीज़ का वेट कर रहा हूँ। जैसे कि विके भाई ने अभी बताया इस प्रोजेक्ट के बारे में और छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको दे दी कि एक छोटा सा कैरेक्टर मैं प्ले कर रहा हूँ उसमें, तो मैं भी उस चीज़ के लिए वेट कर रहा हूँ। बस आप लोगों की एक विशेष चाहिए कि भाई हमेशा ऐसे काम करते रहे और हम सब पूरी टीम में हमारी आगे बढ़े, और आप सबकी ब्लेसिंग्स चाहिए, आप सबकी दुआएं चाहिए, और उम्मीद करते हैं कि जो भी हम चीज़ बनाएंगे कोशिश कर रहे हैं। भैया यशराज तो नहीं हूँ बट विकी चोपड़ा हूँ, यशराज नहीं हूँ और लेकिन उन्हीं को फॉलो करता हूँ, तो उम्मीद करता हूँ कि जो चीज़ हम लोग मिलके मेहनत से बनाएंगे, क्योंकि एक मूवी बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो जो हम एक मेहनत से चीज़ बनाएंगे उम्मीद करते हैं कि लोगों को पसंद आए, और बस अभी शुरुआत की ही, बस श्री गणेश की ही देर है, और जल्दी हम मीडिया में वो भी बताएंगे कब से स्टार्ट कर रहे हैं। बस आप लोगों की बेस्ट विशेस हमेशा हमारी टीम और विकी भाई पे ऐसे बरकरार रहे ताकि हम ऐसे ऐसे अच्छे गुड न्यूज़ और आपको देते रहे और इन्फॉर्मेशन आपको देते रहे। स्टार्ट किया, आप इसके कहना चाहेंगे कि कितने ज़्यादा उत्साहित हैं, खुश हैं इस बात को लेकर, और जो भी अपने अचीवमेंट्स क्या उसके बारे में थोड़ा ब्रीफ कीजिए। थैंक यू सो मच पहले तो आपकी विशेस के लिए, आप सब आए बहुत अच्छा लगा, और बस उत्साह की बात अगर करोगे तो उत्साह बहुत है, अभी तो बस जर्नी है, स्टार्टिंग है ये जिंदगी की, बहुत आगे बहुत लंबी रेस है और लंबी रेस के घोड़े हैं, भगवान ने चाहा तो बहुत लंबा दौड़े के, और बस यही कहना चाहूँगा कि आज जो कुछ भी हो अपने माँ बाप के आशीर्वाद की वजह से, अपने भगवान के आशीर्वाद की वजह से और अच्छे लोगों के साथ की वजह से, अच्छी टीम की वजह से, ये मेरे साथ कल्पेश जी हैं, हमारी एक मूवी भी आ रही है एक चड्डी चाल यार, उसके राइटर हैं कल्पेश जी, बाकी कुछ आप कहिए। विकी भाई ने जब ये नरेशन दिया था अपनी स्टोरी का, तभी हमने तय किया था कि इसके ऊपर एक बहुत ही बढ़िया स्क्रिप्ट बनाएंगे, और विकी भाई का कहना था कि आज की हर फिल्म का जो फाउंडेशन होता है वो होता है एक अच्छी स्क्रिप्ट, तो उसके ऊपर हमने एक साल मेहनत की है पूरी, और उस कंटेंट को एक अच्छा अंजाम मिले ये हमने सोचा और आगे काम किया है, और हर एक कैरेक्टर को जो स्क्रीन प्ले और डायलॉग्स के ऊपर जो काम किया है, तो हर एक कैरेक्टर निखर के आया है, उसको मौका मिले ये ध्यान रखा है। विकी सर, आपकी जर्नी का जानना चाहूँगा कि क्या कहाँ शुरुआत हुई, इंस्पिरेशन कहाँ से मिला कि आप इस फील्ड में आए, और क्या चैलेंजेस थे जो आप फेस किए शुरुआत के दौर में? सर ये होता क्या मुझे नहीं पता, मेरा स्टार्टिंग से ये रहा है कि गो विद द फ्लो, पानी की धार के साथ बहते रहो, तो आया था जब मुंबई तो एज एन एक्टर ही आया था काम करने, बट मालूम नहीं था कि जर्नी यहाँ तक आएगी, सोचा भी नहीं था। बहुत से लोग मुंबई आते और दो चार महीने में चले जाते, तो मैं सबसे पहले तो टच वुड खुद को बहुत लकी समझता हूँ कि भगवान के आशीर्वाद से आज मैं यहाँ तक हूँ, और मैं यहाँ आकर रुकने वाला नहीं हूँ, और संतुष्ट हूँ भी और नहीं भी, संतुष्ट हूँ, भगवान को थैंक यू बोलता हूँ हर चीज़ के लिए कि थैंक यू गॉड, थैंक यू भोलेनाथ, आप मुझे यहाँ तक लेके आए, और संतुष्ट इसलिए नहीं हूँ कि बहुत आगे जाना है, अभी ये सिर्फ स्टार्टिंग है, अगर मैं अभी से खुश हो जाऊँगा कि मैंने कोई अचीवमेंट कर ली तो मैं आगे नहीं बढ़ पाऊँगा, मुझे हर दिन उतनी मेहनत से, उतने पागलपन से और उतनी ही जोश के साथ काम करना है। और कास्टिंग में आने का मेरा रीज़न यही था कि जब मैं एज एन एक्टर जब आया था तो मैंने देखा था यार यहाँ पे कोई सिस्टम नहीं है, यहाँ बड़े सेटिंगों से काम चलते हैं, तो जो चीज़ मैंने झेली थी अपने टाइम पे, तो मुझे ये लगता था कि यार आर्टिस्ट के साथ ये नहीं होना चाहिए, अगर आप ऑडिशन देने जा रहे हो तो वाई नॉट फिट यार, हर बंदा फिट होता है, आज यूज़ नहीं होगा कल यूज़ होगा, एटलीस्ट ऑडिशन तो लो उसका, तो वो चीज़ को सोचकर मैंने अपने आप को चेंज किया, और मैं कास्टिंग में, और मैं कास्टिंग में बहुत खुश हूँ, मुझे अच्छा लगता है कि हाँ यार चल भगवान ने किसी काबिल तो बनाया है। तो विकी जी, हाँ जी, ये कि पूछना चाहूँगा आपको, हाल ही में जैसे आपने मी टू कैंपेन का इतना बवाल लेकर क्या कहना चाहेंगे, वो कितना हार्म किया है इस बिजनेस को, क्योंकि एक नेगेटिव इमेज क्रिएट हो गई है कास्टिंग को लेकर, और हमेशा से ये बात नजर आती है कि फीमेल को ज़्यादा एक्सप्लॉयट किया जाता है फाइनेंशियली या फिजिकली, तो ये कितना सच है, क्योंकि मेल्स भी काफ़ी बड़ा हिस्सा है इस इंडस्ट्री का, तो उस बारे में कुछ बताइए। सर देखिए, मुझे दुनिया का नहीं पता, दुनिया में हर तरीके के लोग होते हैं, लोग कहते हैं कि 90% दुनिया ख़राब है, ये है और वो है, मैं सर ये जानता हूँ कि दुनिया अच्छी है, 10% खराब है, लेकिन वो 10% को ना लोग इतना बढ़ा देते हैं, माउथ पब्लिसिटी इतनी दे देते हैं बेकार चीज़ को,
कि वो लगता है कि सब एक जैसे हैं, बट ऐसा नहीं होता सर। अगर सब खराब होते तो शायद आप अभी मुझे चक्कू मार के देख रहे होते मेरी जेब में क्या पड़ा है, या मैं आपको मार के छीन रहा होता, राइट। तो 90% अच्छे लोग हैं, 10% ही बुरे होते हैं। और मीटू के लिए मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा भाई कि मुझे नहीं पता है मीटू क्या होता है, क्योंकि मेरे यहाँ पे हर लड़की आने वाली मेरी सिस्टर की तरह है, और मेरे पूरे स्टाफ के अंदर कोई ऐसा नहीं है जो लड़कियों के साथ बदसलूकी करे या बदतमीजी करे। और दूसरी चीज ये कि मेरे यहाँ लड़के हो चाहे लड़कियां, दोनों सेफ है भाई। आजकल इंडस्ट्री में लड़के भी सेफ नहीं रहते वैसे। तो बस इतना ही कहना चाहूंगा, और बस सबकी ब्लेसिंग चाहिए, भगवान का आशीर्वाद चाहिए, और आगे बढ़ते रहेंगे, काम करेंगे, और मेहनत से काम मिलता है। अगर कुछ लोग बोलते हैं कि इंडस्ट्री गलत है या कास्टिंग में या कहीं पे ऐसा होता है वैसा होता है, मेरा ये कहना है कि आप ना बोलो ना यार, आपके अंदर दम है, आप अच्छा काम करो। अगर आप अच्छा एक्ट करोगे तो क्यों नहीं आपको काम मिलेगा। कभी भी ये कॉम्प्रो से या फिर दूसरी चीज़ों से काम नहीं मिलेगा। एक प्रोड्यूसर अगर 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ लगाता है तो क्या कॉम्प्रो करने के चक्कर में किसी भी लड़की को या किसी भी लड़के को स्टार थोड़ी ना बना देगा। उसमें दम होगा, वो उसे कमा के दे सकता होगा तो काम मिलेगा। और ये भी जानना चाहूँगा सर, अभी काफ़ी सारे लोग आए आपको मुबारकबाद दी आपके जैसे, और तो ऐसा कोई प्रोजेक्ट बताइए जिसमें आपने काम दिलाया हो और यू नो एक प्लीजिंग फीलिंग आती है कि आपने उसको काम दिलाया और उसको एक सक्सेस मिला उस चीज़ के लिए। सर मैं कभी भी ये चीज़ नहीं बोलूँगा, काम दिलाने वाला भगवान है। और कभी भी मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं अपने मुँह से बोलूँ, जो हो चुका है पहली चीज़ तो मैं उसको पास समझता हूँ। जो दिला दिया, कहते हैं नेकी कर और दरिया में डाल, तो वो डाल दिया। अभी आगे के बारे में सोचना है, आगे के बारे में बात करेंगे हम लोग। अभी 3-4 वेब सीरीज है, वॉचो की 151 सीरीज हमारे पास है वेब सीरीज, इसके अलावा श्रीमद् भागवत हमारे पास है, सावधान इंडिया हमारे पास है। तो काफ़ी सारे सीरीज है जो हम कर रहे हैं, ठीक है। कई मेरे पास डायरेक्ट है, कई की मैं कोऑर्डिनेशन करता हूँ, बट कुल मिला करके कास्टिंग के अंदर भगवान की जैसे पूरा होल्ड है भी। और लास्टली जानना चाहूँ कि इनोवेशन भी जरूरी है, जैसे कि मान लीजिए बहुत सारे लोग होते हैं जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, छोटे छोटे गाँव से शहर से, तो कितना जरूरी है कि एक अलग तरीके से कास्टिंग जो अप्रोच होता है कास्टिंग करने का वो चेंज होना चाहिए। सर बस मैं इतना बोलना चाहूँगा कि आज की डेट में कुछ मुश्किल नहीं रह गया है। आज की डेट में इंटरनेट है, इतना अच्छा माध्यम है कि आप लोग घर से भी बैठे ऑडिशंस भेज सकते हो, व्हाट्सएप पे भेज सकते हो, प्रोडक्शन हाउस की डायरेक्ट। अगर आप कास्टिंग वाले के थ्रू नहीं करना भी चाहते तो प्रोडक्शन हाउस की डायरेक्ट आपके पास मेल आईडीज होती है, आप मेल कर सकते हो। तो अगर आपके अंदर टैलेंट है आपको काम मिलेगा, और नहीं है तो जितना मर्जी कुछ भी कर लो नहीं मिलेगा। विक्की, ही इज माई ब्रदर, और वेन आई केम इनिशियली इन बॉम्बे थ्रू सनी आई मेट हिम। सो ऑफकोर्स मैं जब बातें सुन भी रही थी तब भी मैंने एक जो विक्की भाई के लिए सबसे अच्छी चीज़ मुझे लगती है कि ही इज़ अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन। काम के अलावा कभी इधर उधर की बातें होती ही नहीं, हम ना कभी गॉसिप करते हैं ना कुछ और करते हैं। एंड बीइंग एन एक्टर और भाई भी है, तो मैं बहुत खुश हूँ कि फाइनली हमारा अपना प्रोडक्शन हाउस है, हमारा इतना प्यारा ऑफिस हो चुका है। सो आई रियली कंग्रेचुलेट हिम फॉर दिस, एंड आई एम सुपर एक्साइटेड, इट्स लाइक अ फैमिली टू मी। तो मेरा ऑफिस है, आई एम सो हैप्पी फॉर दिस। तो एज अ पर्सन एज अ प्रोफेशनल क्या डिफरेंस है आपको, मतलब काफी लोगों से मिलते होंगे इंडस्ट्री में जो कास्टिंग करते होंगे, तो क्या व्हाट इज द डिफरेंस यू फाइंड इन विक्की? Difference number one, he was the first person जिन्होंने आगे से मुझे बहन बोला, और सिर्फ बोला नहीं ये मानते भी हैं। We have few more actor friends, और उन सबका भी same opinion है विक्की भाई के लिए कि he's a very nice person, चाहे लड़का हो या लड़की हो। Actually ये pretend करने की चीज़ नहीं है कि आपको भाई बोलना पड़ेगा या बहन बोलना पड़ेगा, अच्छा मानने की बात है। तो ही इज दैट काइंड ऑफ पर्सन, इनका जब भी कॉल आएगा वो काम से रिलेटेड आएगा, उसके बाद पे चेक के टाइम पे ही कॉल आएगा, अदरवाइज कभी कोई कॉल नहीं आता। दैट्स बैड भाई, लक्ष्मण पे कॉल करना चाहिए। आप खुद क्या करते हैं जो प्रोजेक्ट में काम किया आपने, अदर स्क्रिप्ट्स और वर्क में? मेरा बेसिकली दिल्ली से मॉडलिंग बैकग्राउंड था। जब मैं बॉम्बे आई, फॉर्चुनेटली मुझे एक आधा एपिसोडिक शोज मिलते गए। अभी मेरा जो ऑनगोइंग शो है वो है परफेक्ट पति, जिसमें उर्वशी का कैरेक्टर कर रही हूँ, विच इज़ अ नेगेटिव लीड। एंड इसके अलावा आई एम शूटिंग 2 मूवीज ऑल्सो, और विक्की भाई के साथ मैंने 2-3 अच्छे प्रोजेक्ट्स किए हैं, और फर्दर भी हम बहुत अच्छा काम करने वाले हैं। बिल्कुल, थैंक यू सर। आज विक्की सर ने ऑफिस ओपनिंग किया है तो कितने एक्साइट हैं, क्या किस तरह वर्क करने जाएंगे आप? श्योर बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है यार, विक्की भाई का नया ऑफिस, मेरा भाई तरक्की करते जा रहा है।
प्रोडक्शन से फिल्म प्रोडक्शन एजेंसी से अब उसके बाद नया ऑफिस ऑब्वियसली यार भाई तरक्की कर रहा और फीलिंग मतलब अच्छी फीलिंग ऑब्वियसली नो डाउट इंस्पायरिंग है यार कहीं ना कहीं इतने सालों में हर बार मैं फोन पे यही बोलता हूँ कि यार विक्की भाई हर बार कुछ नया बोलते हो कुछ नया बताते हो तो ऑब्वियसली यार तो ऐसी क्या बात है प्रोफेशनल तौर पर या पर्सनल तौर पर जो आपको बहुत इंस्पायरिंग लगती है इनके नेचर नेचर मेरा नाम है हिमांशु अरोरा मैं एक्टर हूँ मैंने सीरियल्स किए हैं ढाई किलो प्रेम सापस पे तमन्ना सापस पे कुछ वेब सीरीज किए हैं सोनी पिन इतना करूँ ना मुझे प्यार एड्स किए हैं थोड़े बहुत कोका कोला का एड किया अभी रिसेंटली वेब सीरीज की है एक रिसेंटली विक्की भाई के थ्रू ही है चल रहा है धीरे धीरे सो थैंक्स थैंक यू